Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're gonna discuss on can have plus noun. इसका हिंदी मीनिंग होता है के पास हो सकता है. इसके यूज़ हम लोग तब करते हैं जब ये पॉसिबिलिटी हो कि किसी के पास कोई चीज़ हो सकता है, और वो पॉसिबिलिटी कितना होना चाहिए, 99%, मतलब कोई भी चीज़ किसी के पास हो ही सकता है. इस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है. सो आइए सेंटेंस में इसको देखते हैं कैसे यूज होता है. उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार. तुम्हारे पास 500 रुपये हो सकते हैं, यू कैन हैव 500 रुपीज़. हम लोगों के पास अपना घर हो सकता है, यू कैन हैव आर ओन हाउस. उनके पास इसका एड्रेस हो सकता है, दे कैन हैव एड्रेस ऑफ दिस. सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा. आइए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या होगा, कैन के बाद आपको नॉट यूज करना है सिंपली. जैसे एग्जाम्पल, उसके पास बाइक नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट हैव बाइक. तुम्हारे पास पैसे नहीं हो सकते हैं, यू कांट हैव मनी, यू कैन नॉट हैव मनी. सिमिलरली कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग देखते हैं कैसे बनता है. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, कैन को पहले निकाल देना होगा. जैसे, क्या आपके पास कुछ पैसे हो सकते हैं, कैन यू हैव सम मनी. क्या उसके पास फ़ोन हो सकता है, कैन ही हैव फोन. उसके पास कार कैसे हो सकता है, हाउ कैन ही हैव कार. मेरा बटुआ तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू हैव माई वैलेट. सो आई होप इट्स क्लियर. सो आपको ऐसे वीडियो